नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। जैसा कि पटना नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुका है, तमाम प्रत्याशी हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, अपने अपने जीत का सेहरा पहन चुके हैं। तमाम लोग अब सबका सम्मान समारोह स्वागत हो रहा, उसी में आज पटना सिटी के जलवा टोली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जीते हुए वार्ड पार्षदों का सम्मान किया गया, जिसमें से वार्ड 60 की जीती हुई पार्षद शोभा देवी, वार्ड 63 से फिरोज खान, वार्ड 64 से उनका सम्मान समारोह किया गया। इसमें उपस्थित रहे पूर्व मेयर अफजल इमाम, काफी तादाद में नागरिक लोग उपस्थित थे। तमाम लोगों ने सभी वार्ड पार्षदों का दिल से गर्मजोशी से अंगवस्त्र देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तालियों के गड़गड़ाहट से सभी वार्ड पार्षद जो जीते हुए हैं उनका स्वागत किया जलवा टोली पटना सिटी में, जिसमें मौजूद रहे मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद तज्जू, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद टिंकल और भी काफ़ी तादाद में लोग इस आयोजन में मौजूद रहे। और आयोजक का संचालक किया मोहम्मद इब्रार रजा ने और मोहम्मद जावेद अहमद ने। इस पूरे कार्यक्रम को अध्यक्षता हुई ट्विंकल, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद तज्जू, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद नौशाद। इन लोग मिलकर ने तमाम पार्षदों जो जीते हुए हैं उन लोगों का स्वागत किया। सम्मान समारोह में खूब गर्मजोशी से तमाम लोगों का स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं फूल माला शॉल, तमाम लोग काफ़ी तादाद में भीड़ भाड़ रही। इस तरह के तमाम ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बड़ी मोहतरम जनाब बड़े मशहूर शख्सियत और हमारी बलराम जी के एक साथ रहना, चुप रहना, हर दुख सुख में शामिल रहना, तो जाहिर भाई यहाँ बैठे हैं जिंदगी तौर पर एक रहनुमा की हैसियत से, खिदमत करने वाला सदा की हैसियत से, सबक की फिक्र रहने वाला जाहिर भाई यहाँ मौजूद है। यहाँ सबसे एक नौजवान बैठा है फिरोज, जो सबकी चाहत है कि फिरोज यहाँ बैठा है, उसे देखे, उसे सुने। सब लोग चाहते थे कि फिरोज जीते और फिरोज पटना शहर के लिए नहीं, बिहार के लिए एक आइडल रहते हैं। और मेरी नसीहत यही है कि जो दिखता है वही असर भी अपनी तौर पर होना चाहिए, कि जो नजर आता है वाकई वो काम को वैसा नहीं होता है। शक्ल जैसा है, जाहिर जैसा है, यकीनी तौर पर वो काम भी ऐसा करे कि लोग उस पर तनकीद का मौका ना मिले। मैं पार्षद नहीं, एक एक घंटा पार्षद है। मैं प्रोफेसर गिरा कर सकता, चौबीस घंटा किसी भी समय भला होने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ने भी जो है जो जरूरत पड़ेगी आपको चौपड़ पर नजर आएगा। ये मेरे बात इस तरह आशीर्वाद दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर हर जज्बे को इस पर सवाल करूंगी और जहाँ तक होगी लड़ाई लड़ूंगी, मैं वो लड़ाई लड़ूंगी आप लोगों के लिए। मैं आपको वचन देती हूँ। धन्यवाद। दिल में कुछ करने की तमन्ना, दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा करती है। जब यहाँ पर हम आ रहे थे, हम वार्ड 60 में भी हैं, हम यहाँ पर जब आ रहे थे, आप लोगों की तालियों की आवाज, आप लोगों की आवाज हमको वो जज्बा दे रही थी, वो ताकत दे रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके अपने वार्ड कैंसर के साथ साथ उन तमाम कामों को कर सके जो हम कर सकते हैं। मंच पर मौजूद हमारे सदर कमांडर और हमारे पूर्व मेयर अफजल इमाम साहब, बलराम चौधरी साहब और जैसे साहब, हम इन लोगों को चाहेंगे कि इन लोगों को गाइडेंस हमको मिले। हम चुके गए हैं, हम पहली बार चुनाव जीते हैं, हमको भी बहुत कुछ नहीं पता है। हम चाहेंगे और हमारे जावेद से चाहे, हम चाहेंगे जावेद
चिरा से केला का सहयोग उनको मिलता रहा है और हम उस सहयोग के साथ अपने भारत वर्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। राजा सलाम और उसके बाद भी सलाम मेरे बलराम भाई को। अपना चुनाव छोड़कर मेरे चुनाव में गए और आगे को समझाने का काम किया। ये जिन्हीं भाई है मेरा बलराम चौधरी, जब एक लड़का बिल्कुल सैया पर था, बस समझिए कि अगर ये आधा घंटा में अपना फ्लैट ना देते और से आया हुआ लड़का मर जाता। आज मैं भी नहीं रहता हूँ बलराम चौधरी का कि मेरे कहने पर इनका फ्लैट दे दिया और दे दिया। कुछ अफसोस भी है, मैंने खुशी नहीं मनाई। हमारे भी पुराने साथी जो सलाम लोगों ने यहाँ पर रखा, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।